हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विदकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, गणित के आज 15 सवाल लेके आई हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जिनका आगे आने वाले एग्जाम में, जो भी शिफ्ट में एग्जाम है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 15 से 15 सवाल और लेके आऊँगी मैं। बस ऐसे ही प्रश्न इनसे ही मिलते जुलते हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। उसके थोड़ी देर बाद में सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेके आऊँगी जो कि 26 से 30 मार्च तक पूछे गए और उनसे मिलते जुलते प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा लॉजिक लगा के ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बिठाना ही जरूरी है। तो क्या कैसे करना है, सबसे पहले देखो अंतर कितना है, 5:2। अब इसमें से पिता का अनुपात कितना है, 5 है। पिता का कितना है, 5 है। किसका है, पिता का 5 है। और पुत्र का कितना है, 2 है। निकालना हमको किसका है, पिता की आयु। तो जिसका निकालना रहेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। बाकी दोनों का अंतर उन्होंने दिया है, पिता और 27 वर्ष का अंतर है, दोनों का अंतर ही दिया है। जब अंतर दिया है तो नीचे हम उनका अंतर कर लेंगे, इंटू जितने का अंतर दिया है वो लिख लेंगे। तो कितने का अंतर दिया है, 27 का दिया है। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब वो बोल रहे हैं इसको सॉल्व करके हमको पिता की आयु आ जाएगी। अब वो बोल रहे हैं 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, तो इस 45 में हम 6 को प्लस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर ये आता है कि पिता यदि उनकी उम्र का योग इतना है, तो योग अगर आएगा तो यहाँ पर योग आ जाएगा। यदि उनकी आयु का गुणन इतना है तो गुणन आ जाएगा, यहाँ पे गुण आ जाएगा, और जितना होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जिसके बारे में पूछा है वो ऊपर आ जाएगा। अगर यहाँ पे पुत्र के बारे में पूछा होता तो ऊपर 2 आ जाता, नीचे उन दोनों का अंतर आ जाता, इंटू 27। तो इससे हमको पुत्र की आयु पता चल जाती, जैसे कि पुत्र की कितनी होगी, 5 में से 2 गए, 3 बचे, इंटू 27, 3 नाम के 27, 9 दूनी 18, मतलब पुत्र की कितनी होगी, 18 है, और पिता की कितनी आ गई, 45। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, धारा के अनुकूल एक नाव की गति 12 किलोमीटर है तथा धारा के प्रतिकूल नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल बताइए। देखो, जब शांत जल में नाव की चाल पूछी हो और जो एक गतियाँ जो है अनुकूल और प्रतिकूल दी हों, देखो अनुकूल दी है और प्रतिकूल दी है, जब अनुकूल और प्रतिकूल धाराएं दी हैं तो धाराएं दोनों जुड़ जाएंगी और 2 का डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ कंडीशन ऐसी बनती कि धारा के अनुकूल एक नाव की गति इतनी है और धारा के अनुकूल ही एक लहर की गति या नहर की गति बता देते, तो एक ही दिशा में अगर बताते हैं, मतलब अनुकूल ही अनुकूल बताते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। लेकिन अनुकूल भी बताया और प्रतिकूल भी बताया, दोनों एक साथ बताएंगे तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो जैसे कि नाव की गति कितनी है, 12, और प्रतिकूल धारा की गति कितनी है, 6, दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे तो कितना जाएगा, 18/2। तो 2 में 18 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो 9 आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई को यदि 30% से तथा चौड़ाई को 40% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x + y + xy/100। ये वाला जो फॉर्मूला है यही, ये अगर सेम डिजिट बढ़ता है तो भी यही फॉर्मूला लगाना। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि लंबाई भी 30% से बढ़ रही है और चौड़ाई 40% से बढ़ रही है। अगर इसकी जगह वो बोल देते कि लंबाई भी 30% से बढ़ रही है और चौड़ाई भी 30% से बढ़ रही है तो भी आप इसी फॉर्मूले में पुट करते, लेकिन अभी उन्होंने दिया है कि लंबाई को 30% से तथा चौड़ाई को 40% से बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती। तो आपको ये वाला फॉर्मूला, एक यहाँ पे मैंने एक दो बार वीडियो में बताया भी है कि ये वाला फॉर्मूला, ये अकेले यह आयत से ही मतलब नहीं है, किसी को भी अगर पहले इतना प्रतिशत बढ़ाया फिर दोबारा से उतने प्रतिशत बढ़ाया, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको यही फॉर्मूला हर जगह पर लगा देना और चुटकियों में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर x धन y, मतलब 30, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 30, और y की जगह पे आ जाएगा 40, प्लस मैंने बताया था x (y/100, तो x की जगह पे जाएगा 30 और y की जगह पे जाएगा क्या, 40, अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 30 और 40 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 3 का 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 3 चौक हो जाएगा 12, और ये जो 2 जीरो से 2 जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 70 और 12 कितना हो जाएगा, 82%। यहाँ पे अगर आ जाए
कि एक बेलन है, बेलन की लंबाई को पहले 30% से बढ़ाया, फिर चौड़ाई को 30% से बढ़ाया, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो वही आप कर लेंगे, 30 + 30 + 30 × 30/100। कोई भी डिजिट यहाँ पर दे दे, 90 से बढ़ाया तो 90 + 90 × 90 × 90/100। तो याद रखना है, तो यहाँ पे प्लस करना है दोनों को, फिर एक प्लस का निशान आएगा, फिर दोनों को इंटू करके बटे में 100 का भाग दे देना है। सेम ऐसा ही नीचे है, एक आयत की लंबाई को 20% से तथा चौड़ाई को 5% से कम कर दिया जाता है। ऊपर हम कर रहे थे कि अगर उनको बढ़ा दिया जाता है, नीचे हम कर रहे हैं कि घटा दिया जाता है। जब भी इस प्रकार की बात होती है कि कम कर दिया जाता है, तो यहाँ पे तो प्लस आता ही है, लेकिन जो बीच वाला जो साइन होता है कम करने के कारण, वो यहाँ पे क्या का हो जाता है, वो माइनस का हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस का, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर कम करने का आ जाए तो बीच वाला साइन क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और बढ़ाने का आ जाता है तो बीच वाला साइन प्लस का हो जाता है। सूत्र जरूर याद रख लीजिएगा कि सूत्र क्या हो जाता है, x प्लस वाई और माइनस एक्स वाई बटे 100। यहाँ x इक्वल टू पहली डिजिट होती है और y इक्वल टू दूसरी डिजिट होती है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी ने समान पूंजी लगाकर एक दुकान को खोला, 9 महीने बाद सी ने उतनी ही पूंजी लगाकर उसका पार्टनर बन गया। ए और बी ने समान पूंजी लगाई थी और एक दुकान खोली अपनी पार्टनरशिप में, जैसे कि एक ने 50,000 लगाया दूसरे ने, और दोनों ने एक दुकान खोल ली। 9 महीने बाद सी भी लगा उतनी ही पूंजी लगाकर उसका पार्टनर बन गया। 9 महीने बाद लगाया है, लेकिन उसने भी 50,000 लगा दिए सपोज करो, ये 2 वर्षों के बाद कुल लाभ उनको 8,442 रुपये हुआ, तो उसमें से सी का हिस्सा कितना होगा। अब देखो एक बात मेरी ध्यान से समझिए आप, ए और देखो उन्होंने कितना 2 वर्षों के बाद किया है, 2 वर्षों के बाद लाभ कमाया। 2 वर्षों में कुल कितने साल हो जाते हैं, 2 वर्षों में कुल कितने महीने हो जाते हैं, 24 महीने हो जाते हैं। तो पूरा ए तो पूरे 24 महीने रहा था, तो हमने ए को 24 लिख लिया, बी भी पूरे 24 महीने रहा था, लेकिन जो सी है वो 9 महीने बाद आया था, मतलब हम 24 में से 9 को माइनस करेंगे। तो जब हम 24 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब हम इसको काट लेंगे, काटेंगे कैसे, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24 और 3 × 5 = 15, तो कितना आ जाएगा, 8:8:5 आ गया। ये आपको समझ में आया कैसे आया, ये हमने इनके ईयर के अकॉर्डिंग लगाया, जिस तरह से वो जुड़े थे, क्योंकि ए दो वर्षों के लिए रहा था तो ए भी 24 महीनों के लिए रहा, बी भी 2 वर्षों के लिए रहा था तो बी भी 24 महीनों के लिए रहा, और सी जो है 9 महीने बाद आया था स्टार्टिंग के, तो 24 में से 9 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। जो ये तीनों डिजिट आ जाएंगे, इन तीनों को हम काट देंगे, 3 से कट जाएंगी, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24 और 3 × 5 = 15। तो आपका आंसर कितना जाएगा, यहाँ पे 8:8:5 आ जाएगा। अब वो बोल रहे हैं सी का हिस्सा क्या है, जब आपको टोटल राशि दी हो, और किसी एक अनुपात दिया हो और किसी एक का हिस्सा पूछा हो, तो जो जिस एक का हिस्सा पूछा जाता है उसको ऊपर लिख देते हैं। जैसे कि इन तीनों में सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का वैल्यू कितना आया अनुपात में, 5 आया है, नीचे इन तीनों को जोड़ देंगे और जो कुल लाभ हुआ है उसका गुणा कर देंगे। जब इनको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार जब भी अनुपात दिया हो, किसी एक का हिस्सा पूछा हो, तो वो एक का हिस्सा ऊपर आ जाता है। टोटल जो अनुपात है, अगर यहाँ पे दो लोग होते हो, दो अनुपात पाँच होता दो लोगों का, और आपसे पूछे जैसे ए और बी दो लोग थे और दोनों का अनुपात 2:5 हो और उन्होंने लाभ कमाया 20 रुपये, आपसे पूछे कि ए का लाभ कितना होगा, तो ए को हम ऊपर लिख देंगे, दोनों ए और बी को दोनों को प्लस करके नीचे लिख देंगे, गुणित में लाभ कितना कमाया, 20 कमाया, तो इससे आप अपना आंसर सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे आपको इस प्रकार से अनुपात वाला क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। ये ट्रिक याद रखिएगा, ये यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से टी वर्षों में एम तथा टू टी वर्षों में एन हो जाती है तो मूलधन क्या होगा। ये आपको सूत्र याद रखना है, बहुत ही जादुई ट्रिक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप बस यहीं पर ये वाली ट्रिक ही लगा देना। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 हो जाती है तथा 8 वर्षों में 900 हो जाती है, वह राशि क्या है। देखो यहाँ पे क्या क्या दे रहे हैं आपको, केवल समय दे रहे हैं और राशि बता रहे हैं, मतलब मूलधन और मिश्रधन दे रहे हैं, समय दे रहे हैं और राशि और मिश्रधन दे रहे हैं। जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करना, आपको समय से इसमें कोई लेना देना नहीं है कि समय कितना हो रहा है क्या हो रहा है।
चार वर्षों में इतनी हो रही है तो 8 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, 4 वर्षों में जो शुरू में जो वर्षों में होती है उसको ऊपर लिख के उसका 2 बार गुणा कर देना है, और जितनी हो जाती है उसको नीचे लिख देना है। मतलब जो एम है वो पूर्व की राशि है, पूर्व की राशि जितनी रहती है, और एन मतलब जो राशि बढ़ के हो जाती है जितने वर्षों में। बस आपको जितनी राशि पहले थी उनका ऊपर 2 बार गुणा करके जितनी राशि बाद में है उसका नीचे डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करना है, यदि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1500 रुपये तथा 10 वर्षों में 20,000 रुपये हो जाती है तो वह राशि क्या है। तो 1500 का क्या करेंगे, जो पूर्व की राशि थी उसका 2 बार ऊपर इंटू कर देंगे, और नीचे 2000 है उसका नीचे 1 बार लिख देंगे, और इन दोनों का गुणा करके इससे भाग दे देंगे। याद रखना इस प्रकार के क्वेश्चन में केवल राशि जो होती है वो राशि बढ़ जाती है, ना तो दर दिया रहता है और ना और कुछ दिया रहता है, और समय की इसमें कोई वैल्यू नहीं होती है, समय को अपन यहाँ पे पुट नहीं करते हैं, मतलब केवल हमें यहाँ पे राशि अगर जो दी रहती है राशि से ही हम मान निकालते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सअप की, टेलीग्राम की, फेसबुक की, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी मिलेगी, सीवर आकांक्षा नाम से वो ग्रुप बनाया है। कल से हम अपनी MBPSC प्रीलिम्स की और JL प्रहरी की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमसे जुड़े रहिएगा। इसके अलावा MBPSC के तो आपको पता ही है मेरे वीडियोस जो होते हैं रामबाण होते हैं, हर बार मेरे वीडियोस से ही वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं ट्रिक जैसे बनाती हूँ, जैसे क्वेश्चन बनाती हूँ, सेम पैटर्न वहीं पे, क्योंकि मैं हर जो भी पॉइंट होता है वो वहाँ पे कवर करती हूँ। हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक MBPSC प्री में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वही कवर करती हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा कल से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपये है, मतलब वर्तमान मूल्य अभी उसकी कीमत है 48,000 रुपये, तथा इसमें 5% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब होता है कमी हो रही है, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, उसमें कमी हो रही है। 2 वर्षों के बाद इसका मूल्य क्या होगा, आने वाले 2 वर्षों के बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा। तो किसी मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है, 48,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 48,000। अब शुरू में लिख देंगे 48,000, इसको ये वाला फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, P-R/100 2, या N जो भी इसकी पावर रहेगी। तो P-, यहाँ पे R का मतलब होता है कि जिस दर से वो घट रहा है या बढ़ रहा है, P का मतलब होता है जो राशि इसमें पहले थी, जो उसका मूल्य पहले था, जो मतलब ओरिजिनल मूल्य होता है वो यहाँ पे आ जाता है। और कोई भी इस प्रकार का कोई भी सवाल हो कि पहले ऐसा था फिर इतनी दर से घट गया या इतनी दर से बढ़ गया तो फिर इसका मूल्य क्या होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इसी प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं यही वाला फॉर्मूला लगा के। पहले मूल्य था 48,000, कितने दर से घट रहा है 5%, तो 1-5/100 की पावर होल पावर 2 आ जाएगा। फिर 100 का 1 में गुणा करेंगे और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100-5/100, तो कितना हो जाएगा, 100 में से 5 जाएंगे 95/100 होगा, 95/100 को घटा लेना, 5 से घट जाएगा, 5 को 20, और ये हो जाएगा 19/95, तो 19/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 20 आ जाएगा, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो, 100 का 1 में गुणा करके, 5 का 1 में गुणा करके, 100 का नीचे गुणा करके, जब आपका ये सॉल्व आ जाए आंसर तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि इतना मूल्य है, अगर यहाँ पे ये आता कि किसी मशीन का मूल्य 50,000 रुपये है तो आप यहाँ पे लिख देते 50,000 रुपये। अब बोलते कि वो 3% की दर से बढ़ रहा है तो आप क्या लिख देते, 1+3/100, और अब वो बोलेंगे 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या होगा तो आप पावर में लगा देंगे 3। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आ सकता है यही बार, अगर कोई भी ओरिजिनल चीज़ आपको दी हो और बोला कि आपसे इतने हर साल ये इतनी घट रही है, ये इतनी बढ़ रही है, तो आपको ऐसा ही फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला आपको याद रखना है कि फॉर्मूला होता है पी, और जो पी मतलब होता है मूल राशि, प्लस माइनस जो भी घट रहा हो तो माइनस, बढ़ रहा हो तो प्लस, और आपको जो दर है उसको 100, और जो भी आपकी जो भी आपका समय हो वो आपकी पार जुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या, ये क्वेश्चन आया है पटवारी में 2 से 3 बार, 2 से 3 शिफ्ट में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और अभी भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये जो एग्जामिनर रहते हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है।
किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये मैंने आपको ऊपर बताया कि किसी कभी भी कोई आपसे बोले कि इसकी इतनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, तो जब भी कोई आपसे प्रतिशत वृद्धि की बात करते हैं तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो मैंने ऊपर बताया था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का ये फॉर्मूला आपको मेनली लगाना ही है जब भी प्रतिशत का क्वेश्चन आए तो। अब जब ये वाला एक सिंगल प्रतिशत की बात होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ाने पर, जब 12% से बढ़ाते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो अभी तक जो हम फॉर्मूला कर रहे थे वो मैंने बताया था एक्स प्लस वाई एक्स वाई इंटू 100, तो जो एक्स वाई इंटू 100 है वो तो यहाँ रहेगा ही क्योंकि, लेकिन क्या होना है कि वृत्त की बात हो रही है, जब भी वृत्त की बात होती है तो क्या करते हैं, 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100। जब भी नॉर्मल किसी की बात हो रही हो, आयत की बात हो रही हो, तो वो मैंने बताया था वैसा फॉर्मूला लग जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, लेकिन अगर वृत्त की बात हो रही हो तो वृत्त की बात में प्रतिशत बढ़ती है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100। क्या लगा देते हैं, 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100, ये वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं अगर हम बात कर रहे हैं वृत्त की, तो वृत्त की बात कर रहे हैं, 2 गुणित क्या हो जाएगा 12 प्लस 12 स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा, 12 का 2 में गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, 12 का 12 में गुणा करेंगे 144, 144 में 100 का भाग देंगे 1.44 आ जाएगा, 24 में 1.44 को जोड़ लेंगे और 25.44 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, जब भी वृत्त की बात आ रही हो तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है वृत्त के क्वेश्चन को, 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100, 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100 ऐसा ही अगला करना है। लेकिन अगले में क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। देखो मैंने ऊपर वाला जब क्वेश्चन में तब भी ये प्रतिशत वाला बता रही थी, तब भी मैंने बताया था कि अगर माइनस घटने की बात आ रही है तो बीच में हम माइनस का साइन लगा देते हैं, और अगर जोड़ने की बात आती है तो बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं, और ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। वहाँ पे क्या होता है ना, वो वाले प्रतिशत में क्या होता है, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस होते हैं, यहाँ पर एक ही डिजिट रहती है, एक ही प्रतिशत होता है, क्योंकि वृत्त में तो दो कोने तो नहीं रहेंगे, लंबाई चौड़ाई तो नहीं रहेगी, वृत्त में तो केवल त्रिज्या रहती है, दो चीज़ें तो वृत्त में रहती नहीं है ना, तो इसलिए इसको यही फॉर्मूला लगता है 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100। आयत में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई दोनों होती है, तो इसलिए हम उसमें x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाते हैं, x प्लस वाई और एक्स वाई प्लस 100 का बटे 100 का लगाते हैं। लेकिन वृत्त में तो कोई भी वृत्त में केवल त्रिज्या ही रहती है, लंबाई चौड़ाई नहीं रहती है, तो वृत्त में इसलिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप MPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये प्री के नोट ले सकते हैं, बहुत ही शानदार नोट्स हैं, टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज इन नोट्स को तैयार किया गया है, देख सकते हैं, और बहुत ही शानदार जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक को बहुत ज़्यादा बोल्ड किया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात इन नोट्स के साथ आपको दिया जाता है एक व्हाट्सएप का ग्रुप, उस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराए जाते हैं, हर टॉपिक हर वो जो पॉइंट जहाँ से PSC क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि सूचकांक हुआ या कोई नियुक्तियाँ हुई, उनको बार बार याद करवाया जाता है, ट्रिक के माध्यम से याद करवाया जाता है। इसके साथ जो मिलता है आपको व्हाट्सएप का ग्रुप, ये केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो हमारे नोट्स लेते हैं, और इस ग्रुप के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, और इसमें जुड़कर आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार ग्रुप होता है और उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो नोट्स परचेस करते हैं, अलग से इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है ग्रुप में जुड़ने का। तो अगर आप ये हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, भारत में कहीं भी रहते हो आप 8 से 10 दिन में आपके पास ये पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 11 विद्यार्थियों द्वारा 25, 6, 15, 8, 22, 16, 9, 21, 18, 13 और 20 है, इनकी माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले जब ऐसी कोई डिजिट दी रहती है तो सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, तो देखो हम सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिख देंगे। आरोही क्रम में लिख दिया 6, 8, 9, ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। अब जब अगर हम देखेंगे कितनी संख्या है, तो कितनी है, 1 2
दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह संख्या हैं, ग्यारह संख्या हैं मतलब ये विषम संख्या है। अगर ये विषम संख्या होती है तो माध्यिका के लिए विषम संख्या का सूत्र होता है एन प्लस एक बटे दो बा पद, ये सूत्र होता है अगर संख्या विषम हो। अगर ये तो आपने किया ही होगा अगर आप सवाल कर रहे होंगे, और अगर सम होता है तो एन प्लस बटे दो प्लस वन होता है। तो जब विषम संख्या होती है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब एन की जगह पे एन हमारा कितना आया है, 11 आया है, ये टोटल संख्या कितनी है 11 है, तो एन की जगह 11 लिख लेंगे। 11 धन एक बटे दो 12 11 और एक 12 12 बटे दो बराबर छेवा पद। छेवा पद अब हमें देख लेंगे इनमें छेवा पद कौन सा है। तो देखो एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये 16 जो है वो छठवां पद हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। फ्रेंड्स ये मेरी इंस्टा आईडी, अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा आकांक्षा 1957, और इंस्टा पर फॉलो करके मुझे मैसेज कीजिएगा। यहाँ भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थॉट्स, मोटिवेशनल थॉट आपको यहाँ पर एग्जाम के बाद मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 20 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, यदि हम शिक्षक की आयु जोड़ते हैं तो औसत आयु 2 बढ़ जाती है शिक्षक की आयु। क्वेश्चन हर हर सेप्ट में पूछा जा रहा है। देखो सबसे पहले 20 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु कितनी है, 10 है, तो कुल आयु कितनी होगी, तो 20 में हम किसका गुणा कर देंगे 10 का। देखो जब भी टोटल छात्र दिए रहते हैं और उनकी औसत आयु दी रहती है तो हम कुल संख्या निकाल लेते हैं छात्रों की कुल आयु कितनी होगी। तो कुल आयु निकालने के लिए जो औसत आयु होता है उनमें कुल संख्या का गुणा हो जाता है, तो 20 में जब 10 का गुणा करेंगे तो हमें कुल आयु पता चल जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी वो 200। अब वो बोल रहे हैं यदि हम शिक्षक की आयु भी जोड़ लेते हैं, पहले कितने थे 20 छात्र थे, अगर हमने शिक्षक की आयु जोड़ लिया तो कितने होगा 21। तो बोल रहे हैं अगर शिक्षक की आयु जोड़ते तो औसत आयु 2 बढ़ जाती है, पहले औसत आयु कितनी थी 10 थी, जब शिक्षक जुड़ जाएगा तो औसत आयु कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो अब इन दोनों का 21 का हम 12 में गुणा कर लेंगे, 21 का जब 12 में गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 और कैरी किया 1, 12 दूनी 24 और 1 25, तो कितना हो जाएगा 252। तो 252 में से हम 200 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 52, तो 52 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, एक बार सॉल्व किया हुआ देख लीजिए। 20 छात्रों की औसत आयु कितनी है 10 है, तो अब 20 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। शिक्षक की आयु जोड़ने पर कितनी औसत आयु हो रही है 12, और पहले 20 छात्र थे, शिक्षक और जोड़ने पर कितने छात्र हो जाएंगे 21, 21 में 12 का गुणा करेंगे 252, इस 252 में से 200 को माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला है 3 के प्रथम गुणजों का औसत बताएं। फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग कमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, मैं बोलती हूँ जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना मैं आपको जान पाऊँगी कि कौन कौन मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है, 3 के 5 गुणज हैं उनका आपको औसत बताना है। तो देखो 3 के 5 मतलब 3 के 5 बार पहाड़ा पढ़ लो आप, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, 3 के 5 गुणज मतलब 3 का 5 बार पहाड़ा पढ़ लिया, उनका औसत निकालना है। तो औसत आप क्या करेंगे, जितने भी 5 गुणज आएंगे ये 3 से 15 तक, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, 5 बार आ गए, बट्टे में कुल कितनी संख्या है, कुल ये 5 संख्या है, तो इन ऊपर पूरे को जोड़ के 5 से आप डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में यदि 20% की वृद्धि होती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, खर्च में परिवर्तन हो। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो बहुत ही इजी ट्रिक है, जब आपसे कमी हो जाए, कितनी कमी की जाए, तो आपको नीचे जोड़ देना है। देखो जब भी नीचे की कमी की बात की जाए आपको जोड़ देना है, जैसे कि चीनी की मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है तो 20 ऊपर लिख दो। क्या कह रहे हैं कि अगर वृद्धि हो जाती है तो हम अपने खर्च में कितने कमी कर दें कि हमारा जो बैलेंस है वो जो बना रहे खर्च में परिवर्तन ना हो। तो इसमें क्या करते हैं, जितनी वृद्धि होती है उसको ऊपर लिख देते हैं, नीचे अब आपको पूछना है कितनी कमी की जाए, ट्रिक होती है, तो 100 में से 20 को नीचे प्लस कर देंगे और इनटू 100 उससे प्रतिशत निकाल लेंगे। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लीजिएगा। 20% की वृद्धि हो रही थी तो ऊपर 20% लिख लिया, नीचे पूछ रहे हैं कितनी कमी की जाए तो 100 प्लस 20 नीचे लिख लिया। अगर आपसे पूछे थे कि कोई रेट कोई किसी चीज़ का रेट जैसे शक्कर का मूल्य 30% कम हो गया है तो खर्च में तो हम इसको चीनी के मूल्य को चीनी कितना ज़्यादा और हम बढ़ा दें जिससे कि हमारा जो पहले जैसे ही खर्च यथावत रहे, तो जब बढ़ाने की बात करते हैं तो नीचे माइनस हो जाता है और जब घटाने की बात करते हैं कितनी कमी की जाए तो प्लस हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। तो 20 की बात कर रहे हैं तो 20 ऊपर आ जाएगा, 100 प्लस 20 नीचे आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 100 आपका आंसर आ जाएगा।
ये भी सेम वैसे ही होना है, ए से ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, तो 10% अधिक है तो 10 कर लिया ऊपर, वो पूछ रहे हैं कितना कम होगा, मैंने बताया कम होता है तो नीचे क्या जाता है प्लस आ जाता है, तो इन 200 बस इसको सॉल्व कर दो। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, और ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ क्या क्या करना है केवल कितना ए से इतना ए के इतना इतना अधिक, ए बी से इतना अधिक है तो बी ए से कितना कम होगा, कुछ भी वो एक्स वाई से इतना अधिक है बाय एक्स से कितना कम होगा, ऐसा कुछ भी दे तो जितना अधिक हो उसको नीचे लिख लेंगे, नीचे वाले को 100 में प्लस कर लेंगे गुणित 100 कर लेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। अगला है किसी घर के मूल्य का 2/7% 2,80,000 रुपये है तो घर का मूल्य कितना होगा, तो माना कि घर का मूल्य कितना है एक्स है, तो एक्स का 2/7 = 2,80,000, तो एक्स का 2/7 आ जाएगा, एक्स का 2/7 = कितना आ जाएगा 2,80,000 आ जाएगा, इस 7 का 2,80,000 में गुणा करके 2 से हम भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक कमीज की लागत 350 रुपये है, यदि लागत 10% तक बढ़ा दी जाए तो कितनी होगी, तो देखो एक कमीज की लागत 35 रुपये है ना, तो 350 रुपये, 350 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 35, तो ये मतलब 35 रुपये बढ़ जाता है, 350 में 35 को जोड़ लो आपका आंसर जाएगा, 350 में 35 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 385, तो 385 आपका आंसर हो जाएगा। जो भी ट्रिक दी उससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो 350 का 10% निकालना है और उसको जोड़ देना है। मोहन जो कि एक दुकानदार है, अंकित मूल्य पर 225 रुपये वाली कमीज 20% छूट पर ख़रीदता है, यदि वह 36% लाभ चाहता है तो उसे कमीज कितने रुपये में बेचनी पड़ेगी। देखो अंकित मूल्य 250 रुपये वाली कमीज, मोहन एक दुकानदार है, अंकित मूल्य 225 रुपये वाली कमीज को 20% छूट पर खरीदता है, तो सबसे पहले 225 का 20% निकाल लेंगे, 225 का 20% आ जाएगा 45, फिर 225 का 20% देखो ऐसे निकालेंगे, 225 × 20/100, 20 × 20 = 20, 50 = 100, 5 × 5 = 20 और 5 × 25 तो कितना जाएगा 45, तो फिर जो 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 10% 20% छूट थी तो 225 में से हम 45 को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा 180, अब 180 में रुपए में उसने ख़रीद ली। यदि वह 30% लाभ चाहता है तो कमीज कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी, अब हम विक्रय मूल्य का सूत्र लगा देंगे, विक्रय मूल्य का सूत्र, अब 180 पर कितना लाभ कमाना है उसको, 180 पे 30% लाभ कमाना है, तो 180 में क्या करेंगे, रेट हमारी 180 है, 180 पे 30% लाभ कमाना है तो 180 का 30% निकाल लो पहले, 180 का 3% निकालोगे तो कितना आएगा 18 × 3 = 54, तो 180 में 54 को जोड़ देना आपका आंसर आ जाएगा। अगला है यदि 16 पानी बोतलों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 17 पानी की बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ बताओ। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब 16 इतने पानी की बोतल इतने के बराबर है, इतने का क्रय मूल्य इतने के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या करते हैं, जो विक्रय मूल्य होता है, जो सबसे शुरू का जो विक्रय मूल्य होता है वो हमेशा नीचे आ जाता है और उन दोनों को माइनस कर देते हैं। मतलब कैसा, जैसे 16 पानी की बोतल का विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं तो 16 आ जाएगा नीचे, अब ऊपर क्या बोल रहे हैं 16 पानी की बोतलों का विक्रय मूल्य 17 पानी के क्रय मूल्य के बराबर है, ये दिया है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कभी भी नीचे नहीं आएगा, हमेशा ऊपर वाला जो स्टार्टिंग का जो विक्रय मूल्य है वो नीचे आएगा। अब हम ऊपर वाला विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को ऊपर माइनस कर देंगे, मतलब 17 − 16 = 100, बस इसको सॉल्व कर देंगे। जब इस प्रकार का क्वेश्चन होगी इतना इतने का विक्रय मूल्य इतने के क्रय मूल्य के बराबर हो, 10 स्लेट का विक्रय मूल्य 12 स्लेट के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो 12 और 10 माइनस हो जाएंगे और 10 नीचे आ जाएगा इनटू 100 हो जाएगा। ऐसे ये पूछ रहे हैं 16 पानी की बोतलों का विक्रय मूल्य 17 पानी की बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 17 में से 16 माइनस हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 16 आ जाएगा, जो विक्रय मूल्य होता है वो हमेशा नीचे आता है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। सो फ्रेंड ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, यहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे और क्वेश्चन आपको कराऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।